संसद को धुआं धुआं करने वाले घुसपैठिए क्या सिर्फ शोर और हंगामा ही करने आए थे? नहीं, ये सिर्फ कोई भटके हुए नौजवान नहीं थे जो अपनी आवाज देश को सुनाने आए थे। इस हमले का एक एक किरदार हर नए रोज सामने आ रहा है। ये तो आपको पता ही होगा कि इनका नेटवर्क ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ था, लेकिन इनका असली मकसद क्या था वो बेहद डरावना है। जो लोग इनके लिए पॉलिटिकल शील्ड तैयार कर रहे थे उन्हें ये रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए। कोई बयान देने से पहले पूरा सच क्या है ये जान लेना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि ये हमलावर एक बम की तलाश में थे। संसद में बम लगाकर वो क्या करना चाहते थे? उनका प्लान बी यानी कि प्लान बम क्या था? अगर ये सफल हो जाता तो क्या होता? आप इस रिपोर्ट में जानिए। What India needs today is a bomb। इस सेंटेंस को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले संसद में घुसपैठ से जुड़े कुछ और अहम सवाल। संसद में घुसपैठ की साजिश क्यों रची गई? संसद में हंगामे का यह प्लान क्यों रचा गया? संसद को धुआं धुआं करने का प्लान क्या था? जो राहुल गांधी धुआं धुआं संसद में अवाक दिख रहे थे वो इतने अवाक थे नहीं। राहुल गांधी का ताजा बयान देश की सबसे बड़ी पंचायत के वजूद पर सवाल उठाता है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को विचित्र तरीके से पेश करता है। देश की संसद में घुसपैठ को कैसे देखते हैं राहुल गांधी? अपनी राजनीति को कैसे ट्विस्ट करते हैं राहुल गांधी? उनका बयान सुनिए और समझिए। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। राहुल गांधी इसे बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं, नौजवानों की हताशा से जोड़ रहे हैं, मगर पहली नजर में ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड नौजवानों का गैंग लगता है जो हंगामा करने का मकसद लेकर देश की संसद में घुसा। उसका मकसद सूरत बदलना कम था। राहुल गांधी जी ने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना। वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ऐसे किसका कारण क्या होता है इसमें, मैं क्या करूं? टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करें। मगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये सिर्फ संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला है, मतलब दोषी सरकार है। सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहाँ आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। मगर जान लीजिए कि ब्रेन वॉश के लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा पेज बनाया गया था। देशभक्त 88 नाम के हैंडल से भगत सिंह फैन पेज बनाया गया। भगत सिंह पेज में युवाओं को जोड़ने की अपील की गई। पेज पर कहा गया कि हम किसी पार्टी से नहीं, क्रांति के लिए जुड़े हैं। इस पेज के चैट बॉक्स में ललित जुड़ा और उसने अपना परिचय दिया कि मैं पश्चिम बंगाल से। बाद में महेश जुड़ा
उसने अपना परिचय दिया, मैं राजस्थान से हूँ। पेज चलाने वाला देशभक्त 88 लिखता है, व्हाट्सएप पर आओ। इसी इंस्टाग्राम के जरिए सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में आए। नौजवानों का ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया गया था यह फैन पेज। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सच्चाई सामने आएगी, मगर इंडिया टीवी ने एक महिला कल्पना को खोजा जिसने पूरे प्लान के बारे में पुलिस को सूचना दी। यहाँ पर एक महिला पहुंची है जिनका नाम कल्पना है और ये अपने को एक संस्था से बताती है और 1.5 साल पहले इनकी मुलाकात ललित झा से हुई थी। बकायदा ये लोग इनके पास पहुंचे थे और अपने संगठन से जुड़ने की इनसे बात कही थी। बहुत अहम किरदार है इस पूरे मामले में, मैं बात कराता हूँ आपकी। कल्पना जी, पहले तो ये लोग आपसे कब मिले थे, क्या आप लोगों की बात हुई थी? देखिए, मेरे संगठन की दिल्ली में मीटिंग थी, हमने देश के सारे कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था कि जो भी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे जुड़ना चाहता है वो बंदे वहाँ पे आए करके। तो वो टाइम पे वो लोग भी आए थे। तो हमारे राष्ट्रीय लोक आंदोलन का मीटिंग जब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप इस माध्यम से कितना भी आप आंदोलन कीजिए कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने मुझे बोला था कि देखिए हमारे पास तो पैसे है ही नहीं है, तो हमें आंदोलन करना है, हम गिन चुन के लोग हैं, हमें आंदोलन करना है तो हमें शहीद होना है ऐसे सोच के आंदोलन करना चाहिए, तो ही लोगों का अटेंशन जाएगा, अदरवाइज लोगों का अटेंशन नहीं जाएगा। उन्होंने आपको बताया था कि वो संसद के अंदर जाएंगे? बोला था मुझे। क्या बोला था आपको? उन्होंने बोला था कि हम संसद पर कूच करेंगे ताकि लोगों का अटेंशन जाएगा, इसमें हम लोगों को हानि भी हो सकती है, हमें जेल भी हो सकती है, लेकिन हमें डरना नहीं है क्योंकि हम अगर अंदर 4 जन अंदर गए तो 4 जन बाहर रह के काम करेगा। आपने क्या उनको बताया फिर? आपने क्या ज्वाइन? उनको बोला था कि ये जो आप रास्ता अपना रहे हैं ये रास्ता से आप मत जाइए, ये क्या है सरकार आंदोलन आपका तोड़ देगी, ये आपकी क्रांति नहीं होगी, आप इस रास्ते से काम मत कीजिए। जब 20 अप्रैल को आंदोलन था रामलीला मैदान में तो मेरा पुलिस ने परमिशन कैंसिल किया था, वो टाइम पे भी वो लोग आए थे, तभी भी उन्होंने बोला। कौन आया था? ललित झा शिंदे, अमोल शिंदे। कैसा आंदोलन है कि संसद के अंदर घुस जाइए और दर्शक? मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। उन्होंने जो भी किया वो गलत किया, वो गलत था और मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन उनका जो हेतु था वो सही था, बेरोजगारी का मुद्दा था। बहरहाल पुलिस को पता चल गया है कि ललित झा ही इस गैंग का मास्टरमाइंड है। भगत सिंह फैन पेज को कैसे कैसे पोस्टर्स के जरिए नौजवानों को भड़काने के काम में लाया जा रहा था, खुद देख लीजिए। जब सहन शक्ति खत्म होती है तो क्रांति का जन्म होता है। जब सरकार गलत हो तो आपका सही होना खतरनाक हो सकता है। यदि सत्य बातें इसलिए नहीं लिखते कि किसी की भावनाएं आहत होंगी तो याद रखना भावनाएं उसी की आहत होंगी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारे पोस्ट बताते हैं कि भगत सिंह का इस्तेमाल ब्रेन वॉश के लिए कैसे किया जा रहा था। ललित ने पुलिस के सामने कबूल किया कि इससे बड़ा संदेश मीडिया के जरिए देश में जाएगा, इसलिए संसद के अंदर घुसपैठ की गई। आरोपियों ने गूगल सर्च से बहुत सारी चीजें सीखी। संसद की सुरक्षा के पुराने वीडियो निकाले गए थे। आरोपी पकड़े जाने से बचने के लिए सिग्नल ऐप पर बात करते थे। मीडिया की निगाह में आना पहला मकसद था, इसलिए संसद में घुसने की योजना तैयार की गई। ललित झा इससे पहले टीएमसी के तापोस रॉय के टच में भी था। ये ललित झा के साथ, ये देखिए टीएमसी का विधायक है, बहुत दुख की बात है। जब हम लोग क्या टेररिस्ट का हम लोग हमला जो भी बोलते हैं होता है, उसके साथ तापोस राय, ये टीएमसी विधायक तापोस राय है, उसका क्षेत्रों का एमपी है सुदीप बंदोपाध्याय, नॉर्थ कोलकाता का एमपी है। तो ये तापोस राय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है पूरा, जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था ये, ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं, जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा, आज पूरा स्पष्ट हो गया। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इसका पूरा जाँच करे। हालांकि संसद में घुसपैठ से इसका कोई लेना देना है या नहीं ये साफ नहीं है। इंडिया टीवी जांच से पहले इसकी पुष्टि नहीं करता, मगर अब तक 6 लोग इस साजिश में गिरफ्तार हो चुके हैं। संसद के बाहरी इलाके में धारा 144 लागू होती है, लेकिन वहां बाकायदा 6 आरोपी संसद भवन के पास जमा हुए
और फिर इस घटना को अंजाम दिया और दिल्ली पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस पूरे घटनाक्रम में 6 आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है। ये आरोपी 6 अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। ललित झा का कोलकाता कनेक्शन निकला है। सागर शर्मा यूपी के लखनऊ का रहने वाला है। मनोरंजन डी कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। नीलम हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है। अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। महेश कुमावत राजस्थान के नागौर का रहने वाला है। संसद में घुसपैठ करने वालों का प्लान था कि अगर उनकी पहली योजना किसी वजह से असफल हुई तो उनके कुछ और साथी दूसरी तरफ से संसद की ओर बढ़ेंगे। आरोपी ललित झा ने पुलिस की पूछताछ में पूरी योजना का खुलासा किया है। ललित झा ने सोशल मीडिया पर एक कोट डाला, इससे उसके आतंकी तेवर समझ में आते हैं। What India needs today is a bomb. इस सेंटेंस को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले संसद में घुसपैठ से जुड़े कुछ और अहम सवाल। पुलिस ने मास्टरमाइंड ललित झा के करीबी महेश कुमावत का इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिकोड किया है। इससे पता चला है कि क्रांति के नाम पर युवाओं को भड़काने और ब्रेन वॉश की बड़ी साजिश रची जा रही थी। क्रांतिकारियों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर सरकार विरोधी वीडियो के जरिए ब्रेन वॉश किया जा रहा था। मगर सबसे खतरनाक बात जो पता चली है वो ये कि आरोपियों ने खुद को आग लगाने की योजना तक बना रखी थी। स्पेशल सेल की पूछताछ में सागर शर्मा ने बताया कि पहले उनका प्लान संसद में खुद को आग लगाने का था, लेकिन बाद में इस प्लान को बदलना पड़ा। सागर ने बताया कि एक जेल जैसा पदार्थ ऑनलाइन खरीदने का विचार किया गया था, जिसे शरीर पर लगाने से आग से खुद को बचाया जा सके, लेकिन इस जेल की ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने के कारण इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। आप कल्पना कीजिए कि आग लगाने की यह घटना होती तो वो कितनी डरावनी हो सकती थी। महेश कुमावत ने ही फरारी के दौरान ललित झा की छिपने में मदद की थी। मोबाइलों को तोड़ने में भी महेश कुमावत मददगार था। हालांकि महेश कुमावत खुद को नवी पास बताता है, मगर जब जब भी इस ग्रुप की बैठक होती थी वो इससे जुड़ता था। इन पोस्ट ने खुलासा किया कि महेश कुमावत आरोपियों को सिर्फ लॉजिस्टिक ही प्रोवाइड नहीं करा रहा था, बल्कि इस गुट और साजिश का अहम किरदार था। संसद में सेंध की यह जांच कहां तक पहुंचेगी वक्त बताएगा, मगर याद रखिए भगत सिंह ने अंग्रेजों के कान खोलने के लिए बॉम्ब विस्फोट किया था और हंसते हंसते फांसी चढ़ी। ये फर्जी क्रांतिकारी आग लगाने के लिए जेल खोज रहे थे।